फ्रेंड्स, हमको आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हम पिछले एक साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो सारी प्रॉब्लम्स कौन सी है। पहली, खुशबू की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होना। सेकंड, पापा का कमाया हुआ पैसा वापस ना मिलना। थर्ड, हमारे घर में सुख शांति न रहना। इसीलिए इस साल हम लोग लेकर आने वाले हैं सबके विघ्न को दूर करने वाले गणपति बप्पा। हमें पूरा विश्वास है इस साल गणपति बप्पा हमारे सारी मुसीबतों को दूर करेंगे और हमारे पूरे परिवार को सुख शांति देंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। पहली बार गणेश भगवान हमारे घर पे आ रहे हैं तो उनके स्वागत में हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को हम धूमधाम से अपने घर पे लाएंगे और बप्पा जितने भी दिन हमारे घर पे रहेंगे उनकी सेवा करेंगे। बप्पा हमारे घर पे आ रहे हैं और हम बप्पा के स्वागत के लिए डेकोरेशन ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ऐसा डेकोरेशन करते हैं जिसे देखकर लोग बोले वाह वाह, डेकोरेशन हो तो ऐसा। चलिए बप्पा के स्वागत के लिए अपने हाथों से डेकोरेशन करते हैं। किसी मॉल के पास है ना, हम लोग इधर डेकोरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले है ना कि जो बेड है उसको हम साइड में करेंगे और इसके ऊपर का जो सामान है वो भी साइड में करेंगे और उसके बाद है ना हम लोग इधर डेकोरेशन करेंगे। सो गाइस, ये लड़की ना कभी भी झाड़ू पोछा नहीं मारती, लेकिन बप्पा के आने की खुशी में ना आज इसने झाड़ू पोछा मारा है। हाँ तो मारना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत ही शर्मा भी रही है आज, पता नहीं क्यों। झाड़ू पोछा मारा इसलिए? नहीं, मैंने दो दिन पहले भी झाड़ू पोछा मारा था, ठीक है। रहने दे, रहने दे, खुशबू हम दोनों ही नहीं करते, मम्मी करती है, ठीक है। और अभी भी मम्मी ही कर रही है। देखो, खुशबू ने सिर्फ ये वाले एरिया में ही पोछा मारा है, बाकी मम्मी जो है वो ये पूरा साफ कर रही है। हमारे घर पे जितने भी टेबल थे ना, पहले आपको दिख ही रहे होंगे ये दोनों, वो जो है ना वो बहुत ही छोटे छोटे आपको दिख ही रहा होगा। गणपति बप्पा को अच्छे से रख पाए और हमारा सारा का सारा डेकोरेशन जो है वो हो जाए, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं ये बड़ा सा टेबल। अभी तो आपको इसका डिजाइन और कलर पता नहीं चल रहा होगा, एक बार हम बॉक्स खोलेंगे ना उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। एक एक करके बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें जो है वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ ना ये फ्लावर लीव्स की तरह दिख रहे हैं, ऐसा ना मैं बहुत सारा लेकर आया हूँ, देख ही सकते हो आप लोग बहुत सारा। और मैं लेकर आया हूँ ऐसे टाइप का है ना फ्लावर्स, जिसमें ना यहाँ पे ना लीव्स भी है। एक सेट में ना 12 पीस है, ऐसा मैं लेकर आया हूँ 6 सेट, जो कि है पिंक कलर में, व्हाइट कलर में और है ब्लू कलर में, जो है वो मेन है हमारे डेकोरेशन में। इससे ही है ना हमारा जो है ना डेकोरेशन जो है वो अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि डेकोरेशन है ना लाइट्स के बिना अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं ना दो अलग अलग टाइप्स के ना लाइट्स लेकर आया हुआ हूँ, आप देख ही सकते हो। हैंग करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने रखी हुई है, जैसे कि ये वाला देख ही सकते हो कितना प्रीटी लग रहा है, गुजराती स्टाइल का है कुछ ये लटकाने की चीज कलर में। ये ना मुझे एक ही बार में ना पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ना ये बहुत सारे टाइप्स में ना ले लिए है। खुशबू ने जैसा बोला था वैसा डेकोरेशन जो है हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हम लोग है ना ये वाला जो स्टैंड पे ये फूल पत्तियां है ना लगा हुआ है ना वो यहाँ पे रखेंगे। पायल अभी वो कपड़ा रखना है टेबल के ऊपर। चल उठा, हमेशा ना जल्दबाजी करती है। पायल ये वाला जो है ना स्टैंड इस पे रख दे, पिकॉक की तरह लग रहा है। और गाइस, हमने है ना ये पहले डिसाइड किया था, तो ये ना लीव्स वाला थीम है इस पे, तो हमने इसीलिए बैकग्राउंड ना फ्लावर वाला किया है। इस वॉल पे ना हम ज्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ वॉल हैंगिंग लगा देंगे और डेकोरेशन हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने और खुशबू ने ना ये वाला वॉल जो है वो पूरा का पूरा ना डेकोरेट कर दिया है। फिलहाल घर पे ना कोई भी नहीं है, ना मम्मी है, ना पापा है, ना पायल है। यहाँ पे पायल जो है हम लोग को गणेश जी भगवान को दिखा रही है जो हमारे घर पे आने वाले है। सो दिखा पायल। अरे मीडियम, ना बड़ा ना छोटा, मीडियम साइज की मूर्ति चाहिए। तेरा चेहरा तो दिखा बे। दिखा रही हूँ। हाँ दिखा, चल। हाँ हाँ, यही साइज का चाहिए पायल, यही साइज का। इससे बड़ा साइज दिखा।
ना ना ना, एक वो बड़े गणेश जी है वो दिखा ना, बड़े गणेश जी है सब मैं हाँ दिखा रही हूँ। हाँ, हाँ, ये वाले ये वाले। इसमें भी ऐसा है ना कि जो हमें हमेशा के लिए जो गणपति भगवान जी रखने होते हैं ना, हाँ, तो उनकी सूंड अलग तरफ होती है और जो हमें विसर्जन करनी होती है ना वो भी सूंड अलग होती है, तो मम्मी उस हिसाब से ढूंढ रही है। अच्छा ऐसा है, तो तुम लोग अपने हिसाब से ले लेना, इको फ्रेंडली गणेश जी, ठीक है। हमारा ना कोई भी अभी फाइनल नहीं था कि हम गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाने वाले हैं कि नहीं, इसलिए सो एंड मौके पे पायल गई है। होप करता हूँ ना कि पायल अच्छा वाला गणेश जी है ना चूज करे। गाइस हमें भी नहीं पता होगा कि कौन से भगवान जी आने वाले हैं। हाँ मतलब गणेश जी कौन से आने वाले हैं ना, हाँ कौन से कलर के आने वाले हैं, कैसे होंगे वो, हाँ कुछ आइडिया नहीं हमें। मैं और खुशबू भी जाने वाले, हमारी जो कार है ना वो खराब हो गई है, अगली बार जरूर मैं और खुशबू पक्का जाएंगे गणेश जी को चूज करने के लिए, है ना। यहाँ पे खुशबू ना रो रही है क्योंकि खुशबू को गणेश जी है ना सिलेक्ट करना था, लेकिन वो काम ना पायल कर रही है। अभी तो खुश थी, पायल भी तो इस घर की बेटी है, वो भी तो कर सकती है। तो अगली बार कर लेना प्लीज प्लीज, अब नाराज मत हो, अगली बार करना प्लीज, अब ड्रामा मत कर वरना सब लोग बोलेंगे ना कि खुशबू नाटक कर रही है। गणपति बप्पा मोरिया। पायल को एक काम बोला था गणपति बप्पा को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो भी काम उससे नहीं हो पाया है, अभी घर पर आ चुकी है ये लड़की। एक काम बोला था वो भी नहीं हो पाया तुझसे। अरे क्या हुआ पता, गणपति बप्पा को चूज करने का डिसीजन नहीं ले पाई तो है ना, पापा है ना गुस्से से हमें घर पे लेके आ गए तेरे को लेने के लिए। अच्छा अब हम फाइनली गणपति बप्पा को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने और खुशबू ने मिलके ना ऑलमोस्ट सारा का सारा डेकोरेशन जो है वो कर दिया है, हमें ना सिर्फ लाइट्स लगानी थोड़ी सी बाकी है, उसके बाद है ना हमारा सारा का सारा डेकोरेशन जो है वो हो जाएगा। घर में कोई भी नहीं था, ना मम्मी थी ना पापा थे ना पायल थी, कि वो लोग बाहर गए थे पूजा का सामान लाने के लिए, इसलिए। हमने गणपति बप्पा जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग उनका जो फेस है वो नहीं दिखाएंगे, जब हम गणपति बप्पा को अपने घर पे लेकर आएंगे तभी हम आपको है ना दिखाएंगे। फिलहाल जो है हमने ये खाना लिया है क्योंकि आज खाना घर पे जो है वो नहीं बना है, मम्मी ने आज छुट्टी ली है। हाँ बेचारी मम्मी भी थकी जाएगी ना, सुबह से काम करती रहती है, अभी मैं कितना बोल रहा हूँ। डेकोरेशन भी है ना पूरा जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अभी घर पे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसा डेकोरेशन जो है वो किया है, आप लोग देखकर बहुत ही खुश हो जाओगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।